हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि 2024 में हम एफिलिएट मार्केटिंग को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। आज की स्टूडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बताने वाला हूं। और मैं इसमें यह बताऊंगा कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले के किन किन प्लेटफॉर्म पर आपको अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद आप किस तरीके से प्लेटफॉर्म पर एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना, इस वीडियो के लिए कोई मिस मत करना। अगर इस चैनल पर नए हो और आपको लगता है कि चैनल से आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, तो चैनल ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। ठीक है, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले हमारे पास क्या आज किन प्लेटफॉर्म पे अकाउंट होना जरूरी है, और ये सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कोई फेसबुक पेज होना चाहिए, फेसबुक बिजनेस पेज, उसमें अच्छे खासे फॉलोवर होने चाहिए। ठीक है, उस या फिर हमारा कोई इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए, उसके पास भी अच्छे खासे फॉलोवर होने चाहिए। उसके बाद हमारा लिंक्डइन पेज होना चाहिए, उसके अच्छे कनेक्शन हमारे पास होने चाहिए, या फिर हमारे कोई वेबसाइट होनी चाहिए जो अच्छी रैंक को रखी हो, और या फिर हमारा यूट्यूब चैनल होना चाहिए जिस पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो। मैंने ये पांच चीजें आपको बताई है, कभी ये मत समझ लेना कि पांचों पे अकाउंट बनाना जरूरी है। मैंने इन पांचों में से ऑप्शन बताया है कि इनमें से किसी एक या दो या तीन पे आपका अकाउंट होना जरूरी है, और उसे अच्छे फॉलोवर और उससे यूट्यूब पे अच्छे सब्सक्राइबर और वेबसाइट अगर कोई, तो उस पर ट्रैफिक होना जरूरी है। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने का तभी फायदा है जब हमारे पास कुछ फॉलोवर हो, अच्छे फॉलोवर हो, या हमारी वेबसाइट पर अच्छा ट्रैफिक हो, हमारे यूट्यूब पर अच्छे सब्सक्राइबर हो। इनमें से आप किसी भी दो तीन प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हो और वहाँ पे अपने फॉलोअर, अगर आपने नए हो एफिलिएट मार्केटिंग में, बिगिनर हो, आपको नहीं पता, तो सबसे पहले अपना फेसबुक पेज बनाओ, उस पर उसका प्रमोशन करो, उस पर थोड़े अपने फॉलोवर इंक्रीज करो, या फिर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, उस पर अच्छे फॉलोवर इंक्रीज करो, यूट्यूब चैनल बनाओ, सब्सक्राइबर इंक्रीज करो, अपनी वेबसाइट बना रखी है, उस पर अच्छा ट्रैफिक लेके आओ, उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना। अगर आप सिंपल ऐसे करते हो कि फेसबुक पेज बन गया, बस एकदम एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर देनी है, तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा, उसका प्रोसेस ही ऐसा होता है बड़ा करने का। ठीक है, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमारे पास फॉलोवर होने जरूरी हैं, फॉलोवर, सब्सक्राइबर या वेबसाइट पर ट्रैफिक होना जरूरी है। इनमें से आप किसी दो तीन प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हो, उसके बाद आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया देखिए एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए कौन से किन पे प्लेटफॉर्म पर हमारा अकाउंट होना जरूरी है और किस तरीके से उन पर वर्क करना है। ठीक है, तो अब बात आती है कि एफिलिएट मार्केटिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बड़ी वेबसाइटें हैं, जो बहुत अच्छी वेबसाइट है, ट्रस्टेबल वेबसाइट है, लाइक एज अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉपिफाई, तो इन वेबसाइटों का हम क्या होते हैं, ये एफिलिएट प्रोग्राम प्रोवाइड करती हैं। अपने हमने इन सब की वेबसाइट के एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करना होता है जाके। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद ये हमारा एक ट्रैकिंग आईडी देती है और उस आईडी को ये ट्रैक करती है। ठीक है, बाय चांस मैं आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूँ जो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि अमेजोन है, अमेजोन काफ़ी ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़्यादा लोग वहीं से बाय करते हैं, वहीं से ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने क्या करना है, अमेजोन का जो एफिलिएट प्रोग्राम है, अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम का लिंक आपको वेबसाइट के जैसे ओपन करोगे अमेजोन, उसके नीचे निचले फूटर साइड में मिल जाएगा, सभी वेबसाइटों के लिंक आपको वहीं से मिलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अमेजोन का सबसे पहले एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करना है। एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद जैसे हमारा एफिलिएट प्रोग्राम अप्रूव हो जाता है, उसके बाद वो ट्रैकिंग आईडी देती है हमें। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमने उस ट्रैकिंग आईडी से उस प्रोडक्ट को सेल करवाना होता है। जैसे हमारा अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम अप्रूव हो गया, उसके बाद हम किसी प्रोडक्ट को उठा लेते हैं, जैसे हम किसी पीसी को उठा लेते हैं, हमने पीसी को उठा लिया है अपनी आईपी से, अपनी ट्रैकिंग आईडी से, वो ऑटोमेटिक भी उठा लेगी। इसमें आप कन्फ्यूज मत होना कि ट्रैकिंग कहाँ से लाए, वो वहाँ से लाए, इस चीज़ में बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होना। जैसे ही आपका एफिलिएट प्रोग्राम अप्रूव हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक सब चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, वैसे मैंने इसके ऊपर वीडियो बना भी रखी है अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम के ऊपर कि किस तरीके से वहाँ से प्रोडक्ट उठाने हैं, उसका लिंक आपको आई बटन मिल जाएगा, बिजली वहाँ से जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो हमने अब उसके प्रोडक्ट को उठाना है, उस प्रोडक्ट को उठाने के बाद हमने जो ट्रैकिंग आईडी से हमें प्रोडक्ट के लिंक को उठाना है, जो भी हमारे पास जैसे हमारे फेसबुक पेज है उस पर अच्छे खासे फॉलोवर हैं, तो हमने उस प्रोडक्ट के लिंक को उस फेसबुक पेज पर पोस्ट करना है। ठीक है, हमने उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, चाहे फेसबुक के थ्रू करो, या आपकी वेबसाइट रैंक को रखिए उसके थ्रू करो, यूट्यूब के थ्रू करो, किसी मर्जी के थ्रू करो, इंस्टाग्राम के थ्रू करो, हमारा मेन काम है प्रोडक्ट को सेल करवाना। ठीक है, जैसे हमने उस प्रोडक्ट को सेल हो जाता है, जैसे हमने फेसबुक पर हमारा प्रोडक्ट डाला और उसके बाद वो सेल हो गया, सेल मतलब कैसे, अगर कोई फेसबुक पे आपने प्रोडक्ट डाला है, आपके लिंक पे क्लिक करके किसी बंदे ने अमेजोन पे, जैसे आपके लिंक पे क्लिक करेगा तो वो अमेजोन पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, वहाँ से जाके उसने वो प्रोडक्ट खरीद लिया ना, तो अमेजोन आपको कुछ कमीशन देगा। ठीक है, अगर उसने डायरेक्ट ही अमेजोन पे जाके प्रोडक्ट खरीदा तब आपको कुछ कमीशन नहीं मिलेगी, अगर आपके लिंक पे क्लिक करके वो प्रोडक्ट को खरीद देगा तब उसको मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके तो हमें इस तरीके से हमें क्या करना है, अमेजोन के प्रोडक्ट को उठा के अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, वेबसाइट पे, जो
भी आपके पास है उसे प्रमोशन करना है, उसकी मार्केटिंग करनी है। जैसे वो सेल हो जाता है तो हमें उससे अच्छी खासी कमीशन मिल जाती है, ठीक है। इस तरीके से हमने अमेजोन के, फ्लिपकार्ट के, मीशो के, शॉपिफाई के सबके अकाउंट को यहाँ पर ज्वाइन करना है। सबका प्रोसेस सेम ही होता है, एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करो, उसके बाद उनकी सर्विस या प्रोडक्ट को सेल करवाओ। जितने आप सेल कराओगे अपने लिंक से उसमें ही आपको उस पर कमीशन मिलेगी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। उसके बाद आप जैसे होस्टिंग वेबसाइट होती है, होस्टिंगर, गोडेडी, इनके भी आप एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इनकी जो कमीशन है वो अमेजोन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप होस्टिंग वाले प्लेटफॉर्म के एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो और उनकी होस्टिंग को सेल करवा देते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हाई कमीशन देती है। वो मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगा कि कौन कितना कमीशन देता है। मैं आपको मेन बता रहा हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पर हम उनके होस्टिंग वगैरह को यहाँ पे जो अपने फेसबुक पेज वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे डाल लेंगे। जैसे कोई होस्टिंग को बाय कर लेते हैं, हमारे लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमें अच्छी खासी कमीशन मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। दूसरा है कि एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपके अकाउंट होने जरूरी है। आपको जो जो मैंने प्लेटफॉर्म बताए हैं इनके एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करो, उसके बाद इन पे वर्क किस तरीके से करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आइए आपको समझ में आएगा कि एफिलिएट प्रोग्राम, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे स्टार्ट करें, किन किन प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाए, कैसे उसके प्रोडक्ट को प्रमोशन करें। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इसके लिए मैं प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल और बना दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो ज़्यादा लोग शेयर करें ताकि और भी लोग इस चीज़ को समझ सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट।